तो ये आज हम बात करेंगे इसके बारे में, ये है पोको का M2 और इसका एक्सट्रीम बैटरी टेस्ट के बारे में बात करेंगे और चार्जिंग टेस्ट के बारे में बात करेंगे, यानी इसको चार्ज होने में 0 to 100 कितना लगता है और 100 से 0 होने में एक्सट्रीम कंडीशन में कितना लगता है, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको इन सब के बारे में जानना है, यानी पोको M2 के चार्जिंग टेस्ट के बारे में जानना है, तो देखते रहिए इस वीडियो को। तो यहाँ पे पहले बात करते हैं इसको चार्ज खत्म होने में कितना लगता है, यानी कि अगर 100% चार्ज है तो इसको आप कंटिन्यूसली वीडियो प्ले करेंगे या फिर गेम भी खेलेंगे या फिर आप डेली वर्क भी आप करते हैं, ये सब करके टोटल हाईएस्ट मतलब स्क्रीन टाइम हमेशा ऑन रहेगा, स्क्रीन हमेशा ऑन रहेगा तो कितना टाइम तक ये बचता है, चलता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट आपको दिखा दूंगा और उसके हिसाब से मैं बता दूंगा आपको। तो यहाँ पर आप पहले स्क्रीनशॉट देख सकते हैं 100% है, टाइम देख सकते हैं 11:48 AM, उसके बाद नेक्स्ट स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं यहाँ पे 12:59, यानी कि एक बज चुका था और पहुंच गया था 88% में। उसके बाद 3 बजे ये पहुंच गया था 71% में और उसके बाद 4 बजे ये पहुंच गया था 65% में। उसके बाद यहाँ पे 6 बजे ये पहुंच गया 44% में। उसके बाद यहाँ पे 7:40 में ये पहुंच गया था 28%, 8:40 में ये पहुंच गया था 21% और 8:46 में यहाँ पे पहुंच गया था ये 15%। और नेक्स्ट स्क्रीनशॉट की बात करें तो 9 बजे ये पहुंच गया था 11% और 9:40 को ये पहुंच गया था 1% में। अब यहाँ पे ये देखिए इतना टाइम हो गया, अब कितना टाइम टोटल हुआ वो भी आप दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आखिर स्क्रीनशॉट में कि यहाँ पे दिखा रहे कि लास्ट चार्ज जो हुआ था वो 10 घंटा दिखा रहे हैं, 9 आवर 55 मिनट दिखा रहे हैं लगभग, तो 10 घंटा बोल सकते हैं। तो एक चार्ज में अगर आप 0 to 100 पूरा फुल परसेंट 100% चार्ज है और आप गेम वगैरह खेलते हैं, वीडियो अगर प्ले करते हैं, तो ये जाता है लगभग 10 घंटा, 10 से 11 बोल सकते हैं। अगर नॉर्मल यूज़ करेंगे यानी कॉल रिसीव करेंगे और नेट थोड़ा ऑन कर देंगे, गेम थोड़ा खेल लेंगे, थोड़ा वीडियो दिख लेंगे, तो नॉर्मल यूजर्स में ये डेफिनेटली 1 डे का आपको बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा, एक दिन आराम से आपका चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बात करते हैं इसको चार्ज होने में कितना टाइम लगता है 0 to 100% में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला जो स्क्रीनशॉट है 9 AM को 3% है, क्योंकि पूरा डेड हो गया था तो ऑन ही नहीं हो रहा था, तो बोल सकते हैं 9 के आस 2 to 3 मिनट्स आगे पीछे हो सकता है, तो इसीलिए 9 हम देखे चलते हैं। तो 9 AM में ये हुआ था 3%। उसके बाद हम नेक्स्ट स्क्रीनशॉट की बात करते हैं तो 10 AM में ये पहुंच गया था 59% में। उसके बाद 10:34 AM में ये पहुंच गया था 86% में। उसके बाद 11:09 में ये पहुंच गया था 96% में। उसके बाद नेक्स्ट जो है 11:31 में ये पहुंच गया था 98% में और उसके बाद 11:44 में ये पहुंच गया था 100% में। तो टाइम कितना लगा आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल टाइम हम मान के चल सकते हैं 2 hours 32 to 45 minutes, यहाँ 2.5 घंटे से ऊपर लिखता है, तो 2 hours 30 minutes से लेके 2 hours 45 minutes के अंदर इसको टाइम लगता है फुल चार्ज होने में अगर 0 से। तो ये था दोस्तों इसका चार्जिंग स्टोरी और चार्ज खत्म होने की स्टोरी दोनों का, यानी कि 0 to 100, 100 to 0 दोनों आपको बता दिया। आई होप आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा पोको M2 के बारे में कि कैसे चार्ज होता है और चार्ज कैसे कितने स्पीड में खत्म होता है, इस सब के बारे में पता चल गया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कर देना, इस तरह वीडियो और देखना तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब बटन आपको नीचे मिल जाएगा। और एक सबसे जरूरी बात कि मेरा नाम है सुमन, आप देखिए टेक बाय यूट्यूब चैनल, मैं मिलता हूं आपको नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।